ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग लेके आए हैं जिसका आप लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग अगले हफ्ते से स्टार्ट होगी और हम इसे 7 डेज के लिए बनाएंगे। सो जो लोग भी इसे देखना चाहते हैं उसमें सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं, एंड देन फाइनली हम डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को सन एंड मून साइन या अपने नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जो आपको मैच हो उसके अकॉर्डिंग लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ जितना आपके साथ ये मैच करा करे उतना ही इसे अंडरस्टैंड करा करें। ज़बरदस्ती ये मैच नहीं कर रहा, आप ये बोल रहे हो, आप वो, प्लीज़ ये सबके लिए नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो किसकी पिक हुई है एनर्जी उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करें, उसे शेयर करा करें अगर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूरत है तो। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको फ्लैश हो ही रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे उसी पर डायरेक्ट बात कर सकती हूँ जो कि पेड होती है। सो इसी के साथ अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो लिब्रा राशि, आइए देखते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, बहुत सारे कप्स के कार्ड है। लिब्रा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आई थिंक, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे जो चीज़ लिब्रा आपकी एनर्जी में दिख रही है और वो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है कि आप एक इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप पे इतना इनपुट डाला है, इतना एफर्ट डाला है, पर ये इंसान मुझे बदले में वो चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, वो चीज़ें वो नहीं दे रहा। मैं इसे पैशन भी देता हूँ, मैं इसे लव भी देता हूँ, मैं इसके लिए हमेशा खड़ी या खड़ा रहता हूँ और मतलब एफर्ट लगाता हूँ, और जब एक आवाज़ लगाए तो मैं आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। बट समवेयर मुझे ये इंसान, जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है या मनी की ज़रूरत होती है तो ये इंसान मुंह बना लेता है, या ये इंसान उस टाइम खड़ा नहीं होता या उस टाइम सपोर्ट नहीं करता। देखिए लिब्रा, मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगी, अभी मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज तो नहीं निकाली हैं, बट एक जनरल बात बोलती हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है एक्सपेक्टेशंस। मैं मानती हूँ कि हम अपने, जो हमारे अपने लोग होते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली है, पार्टनर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, पेरेंट्स हैं, इन सब से हम लोग एक अलग ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और कहीं ना कहीं हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं। बट एक्सपेक्टिंग टू मच इज़ नॉट राइट। प्लस ये देखना कि सामने वाले की क्या सिचुएशन है, हमें उसे भी देखना होता है। समवेयर हमें ये नहीं पता कि सामने वाला किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है या उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, हमें वो भी समझना है। हम अपनी तरफ खड़े होकर ये चीज़ देख रहे होते हैं। सो मैं आपको जज नहीं कर रही और मैं यहाँ पे कोई जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ किसी को, बट मैं सिर्फ एक अपना छोटा सा एक विचार रख रही हूँ। अगर जो मैंने कहा आपको कब लगता है कि ऐसा है तो आप इस बारे में एक बार सोचें, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन अलग है तो प्लीज़ आप इस मेरी बात को बिल्कुल भी बुरा लेके या हर्ट मत हो जाइएगा, ठीक है। इसे एक जनरल मैसेज की तरह समझिएगा और ये एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। सो इसे अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग फोर्स करते हैं, कुछ लोग कहते हैं आपने ऐसा कहा वैसा कहा, तो नहीं।
देखिए, आप मुझे दिख रहा है कि क्योंकि आपके साथ वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही, आपको वो वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप सैड हैं, आप उदास हैं, आपको कुछ मनी प्रॉब्लम भी आ रही है और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया कि आओ मुझे ज़रा कुछ बोलो तो मैं आपको बताऊँ कि मतलब आप लड़ने वाले वे में हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल में भी सुपर लॉजिकल हो गए हैं। सो मे बी आपके साथ बहुत ज़्यादा किसी ने गलत किया है तभी आपको ऐसा लग रहा है। तो हर एक इंसान के साथ अलग सिचुएशन है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। आइए देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। ठीक है, सो लिब्रा राशि के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, अब हम उनके पार्टनर की एनर्जीज निकालते हैं, वो किस सिचुएशन में हैं। द टावर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। देखो, द टावर से उनकी रीडिंग शुरू हुई है तो डेफिनेटली कुछ दिख रहा है कि कुछ टूटा है, कुछ हर्ट हुआ है, कुछ बहुत अभी रीसेंट ब्रेकअप हुआ है या रीसेंट बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और वो भी आपसे बात नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा उनको भी गुस्सा आया हुआ है। और कहते ना कि कुछ ना कुछ बातों को लेके वो भी बैठे हैं, वो भी उन्हीं चीज़ों पे बार बार कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों बोला, आप ये वो, तो कुछ इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा टीम वर्क में कमज़ोर हैं, आप थोड़ा सपोर्ट सिस्टम में कमज़ोर हैं, ऐसा उन्हें लगता है। ऐसा है या नहीं ये ज़रूरी नहीं है कि जो उन्हें लगता है वही सच हो। सो बहुत फ़र्क होता है सामने वाले को लगने में और होने में। कई बार ऐसा होता है कि किसी की एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं और हो ये रहा होता है कि हम 1 से लेकर 9 तक कर रहे होते हैं और जहाँ हम 10 करने को मना कर देते हैं तो सामने वाला चिढ़ जाता है, अरे तुमने तो 10 नहीं किया, 10 भी करना था। सो मैं ये चीज़ों को समझती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये कहूँगी कि सामने वाले को क्या लगता है पे मत जाएं, आपको क्या लगता है उस पर जाएं, क्योंकि आपको आपकी सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से पता है और ये एक जनरल रीडिंग है तो वैसे लें। सो मैं आपको ये कहूँगी कि ये पार्टनर कहीं ना कहीं अगले एक हफ्ते पुरानी बातों में, पुरानी उलझनों में ही उलझा हुआ है और इस वाले कार्ड से जो मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कॉइन से मेहनत ये भी करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि वो जो एक कहानी बनी है या जो अभी सिचुएशन हुई है, ही और शी वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ इट। थोड़ा आप उन्हें समय दें, थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए और बिल्कुल जब कुछ कहते हैं ना, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उस टाइम गर्म गर्म में लड़ना नहीं चाहिए, आप भी उन्हें थोड़ा सा टाइम एंड वक्त दीजिए। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। सो क्या है लव मैसेजेस लिब्रा राशि आपके पार्टनर के, सो उनके लव मैसेजेस देखते हैं। सो यू ट्रस्ट मी, सो लिब्रा उन्हें पता है कि आप उन्हें ट्रस्ट करते हैं और आप हमेशा उनके ऊपर रिलाई करते हैं। यू मेक मी कंप्लीट, ठीक है, एंड यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। सो ये एक टेम्प्ररी झगड़ा लग रहा है या टेम्प्ररी स्ट्रेसफुल सिचुएशन लग रही है जो कि वक्त के साथ सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उनकी एक जो सिचुएशन और मैसेजेस आ रहे हैं वो मुझे कुछ खास ऐसे नहीं लग रहे कि वो कुछ बहुत बड़ा बदला लेना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सो ये हैं आपके मैसेजेस फ्रेंड्स, आई होप आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी आई हो। मैं अब आपकी डिवाइन मैसेजेस देखती हूँ, डिवाइन गाइडेंस की। डिवाइन गाइडेंस क्या है लिब्रा को अपनी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जिस भी सिचुएशन में लिब्रा है अभी अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, उनको ओवरऑल अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। सो इट्स अ येस कार्ड, अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, यू वॉन्ट टू डू समथिंग या कोई एक्शन आपको लेना था तो येस है। ठीक है, एंड अगला अपॉर्चुनिटी, सो आने वाले वक्त में समथिंग न्यू इज़ कमिंग टू यू, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ में कार्ड है बैलेंस का,
सो बैलेंस करिए लिब्रा, समवेयर अगर वो बैलेंस जा रहा है ओवर एक्सपेक्टेशन से, तो उस ओवर एक्सपेक्टेशंस को कम करके कम एक्सपेक्टेशंस रखें और खुद पर ही ज़्यादा रिलाय करें, ताकि आपकी खुशियों की चाबी आप ही के हाथ में हो, ना कि दूसरों के। ठीक है, सो ये है माय डियर लिब्रा आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे देख के कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी रीडिंग, कमेंट करके लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। सो बाय फॉर नाउ।